अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 2 जनवरी 2023 और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सखर रेलवे स्टेशन पर। सामने से आ रही है RG 25107 के साथ 145 सखर एक्सप्रेस। तो आज पहली बार आप देखेंगे सखर एक्सप्रेस सखर स्टेशन पे किस तरह डब्बे काटे और दोबारा लगाए जाते हैं। इस सिलसिले में ट्रेन 4 दफ़ा आगे पीछे होती है। सखर रेलवे स्टेशन पर फ़िलहाल सिर्फ 2 ही ट्रेनें आती हैं, 145 अप 146 डाउन सखर एक्सप्रेस और 39 अप 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस। 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस काफ़ी सुबह के वक्त यहां से जा चुकी है। अब ये ट्रेन आगे की तरफ जाने के लिए तैयार है, जहाँ पे ये प्लेटफार्म 1 से जाके बीच वाली लाइन पे तकरीबन 9 से 10 कोचेज़ वहाँ से छोड़ के फिर वापस प्लेटफार्म 1 पर आएगी। और 3 कोचेज़ जिनमें शामिल है पावर वैन, बिजनेस क्लास और एसी स्टैंडर्ड, वो ये ट्रेन पहले ही इस प्लेटफार्म पे छोड़ के आगे की तरफ जाएगी और वापस आके उसी से कनेक्ट होगी।
तो अब आप देख सकते हैं ये ट्रेन आगे की तरफ जा रही है। बहुत सारे लोग इस ट्रेन को ऐसे जाता देख के समझते हैं कि शायद ये ट्रेन सक्कर से रवाना हो गई है शिकारपुर और जगहबाद के लिए, जबकि ऐसा नहीं होता। एसी स्लीपर और एसी स्टैंडर्ड की एक कोच सक्कर स्टेशन पर ही रहेगी। और अब आप देखें ये सामने से ट्रेन पीछे की तरफ वापस आ रही है, लेकिन बीच वाली लाइन पे, और वहाँ पे कोचेस काटी जाएंगी।
कोचेस काटने के बाद अभी ट्रेन दोबारा से आगे की तरफ रवाना हो रही है। इतना लंबा प्रोसेस होता है, इसकी वजह से ही सक्कर स्टेशन पे 50 मिनट से लेके 1 घंटा इस ट्रेन को यहाँ पे लगी जाता है। जबकि अगर एसी की कोचेस बीच में रख के अगर ये सिस्टम बनाया जाए, जो पीछे की कोचेस हों उनको सक्कर पे काट लिया जाए और जो आगे जाने वाली कोचेस हों वो आगे से चली जाएँ, तो इससे काफ़ी टाइम की बचत हो सकती है, जैसा कि तेज़गाम और खैबर मेल में होता रहता है। और अब ये ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 1 पे वापस आ गई, जहाँ ये पीछे खड़ी हुई बिजनेस क्लास, एसी स्टैंडर्ड और पावर वैन की कोच से अटैच हो जाएगी। बिज़नेस क्लास की कोच सक्कर तक जाया करती थी, लेकिन एक दो दिन से ये कोच अब शिकारपुर और जैकाबाद तक भी जा रही है। तो अब आपने देखा ये मुकम्मल सिलसिला, लेकिन शाम को जब 146 टाउन को जोड़ा जाता है तो उसमें 2 लोकोमोटिव्स काम करते हैं, एक आगे से और एक पीछे की तरफ होता है, लेकिन सुबह के टाइम सिर्फ एक ही लोकोमोटिव काम करता है। वीडियो मुकम्मल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।